चाहती हूँ उनको जिंदाबाद, लेकिन आप सब ने टाइम कम है करके मुझे तो डरा ही दिया, क्योंकि मतलब अब कहाँ से शुरू करें और क्या करें, अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़े हैं और इतने सारे चीज़ें बताने को है। फिर भी मैं खुद अपना खुद का अनुभव, और बेसिकली हमको ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आज की स्थिति में जेल में किस तरह की ज़रूरत है वो हम लोगों को शायद सोचना भी चाहिए, करना भी चाहिए। और मतलब जब जेल, पहले तो मैं जेल जाने के लिए बहुत डरती थी और मुझे जेल से बहुत डर लगता था, लेकिन आज जेल, जेल की शब्द सुनते ही खुशी भी आती है, क्योंकि जेल का जाना और आना अपने जीवन में ऐसा वो है। तो मतलब यही है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बस्तर से, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी और एक राजनीतिक दल में भी जुड़ी हूँ, पर जेल ने मुझे संघर्ष करना सिखाया, जीना सिखाया, लड़ना सिखाया, बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखा है। जो नक्सल केस के मतलब इस तरह के इल्ज़ाम लगा के किए, और नक्सल का नाम से कभी अर्बन बोले, कभी शहरी नक्सल बोले, कभी नक्सलाइट बोले, तो अब खुशी होती है हम सब हैं, मतलब सब जो भी बोले हम हैं, तो ये मैं अपने आप को मानती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जब जेल जाने को जाने पे क्या किस तरह से महिलाओं के ऊपर होता है, जो मुझे खुद पे जो मैंने बिताया, ये काम को जो आरोपी इस तरह से लगा के जेल के मतलब ले जाए, ले तो गए, लेकिन उसके बाद जो ताने में जो यातनाएँ दिया जाता है, और यो यातनाएँ से बहुत ज़्यादा जब जेल चले जाते हैं, जैसे हमको करण शॉट दिया गया और गुप्तांगों में पत्रे डाले गए और कई तरह से हमको मारपीट किया गया, यानी इतने टॉर्चर ताने में देने के बाद जेल के अंदर चले जाने के बाद, उसके बाद वहाँ की स्थिति इतना गंभीर रहता है कि व्यक्ति वहाँ किस तरह से अपने आप को वो करता है। और जब मुझे जब जेल में इस तरह सब इतना देने के बाद जेल तक मैं पहुँची, और वहाँ जाने के बाद देखा कि कैसे वहाँ परेशानियाँ होती हैं, और मेरे लिए तो जेल मतलब बहुत एक भय और डर था। और जब शुरू में गया, मैं सबसे वो कर दी थी, मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं पहले तिहाड़ जेल में गई, उसके बाद फिर जगदलपुर मतलब बस्तर, फिर रायपुर, फिर कलकत्ता, ये सारे जेलों का जो मेरा जो अनुभव रहा है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये लगता है कि जब हम जेल में गए तो एक कीड़े की खा मतलब एक कीड़ा से भरा हुआ दाल रहता था और खाने रहते थे, तो जब मुझे फर्स्ट में दिया गया तो मेरे को ये लगने लगा कि ये कैसे खाएं, क्योंकि जब भी हम खाने की कोशिश किए तो ये लंबे लंबे कीड़े सामने आ जाते थे। तो कुछ बंदियां कहने लगे कि आप खाना नहीं खाओगे, तो बोले कीड़े के खाने कैसे खाएं, तो कहने लगे कि हम तो इतने सालों से खा रहे हैं, आपको जिंदा रहना है तो दीदी खाना तो पड़ेगा, मरेंगे नहीं, बस जिंदा तो रहेंगे, इसलिए इसको नकारोगे नहीं, आप खाइए। तो मुझे भी लगा शायद मुझे जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा, और हम ओके। और वहाँ जो जगदलपुर के जेल की जो कंडीशन थी, जो जगदलपुर में, वहाँ तो सारे आदिवासियों को कैसे नक्सल मामले में लेके आए, वो बेचारे तो कुछ जानते भी नहीं हैं कि नक्सल के मामले में उनको पूरी बंद करके रखा गया, और उन जो विचाराधीन बंदियाँ हैं उनको मतलब टॉयलेट यानी उसको मतलब साफ करवाया जाता था, और वो जाम होती थी तो उनको मतलब हाथों में डाल के ये बोलते थे कि आप इसको पूरा निकालो पेक हो, तो कई महिलाएं झिल्ली डालती थी और वो निकालती थी, उसके बाद वो कहती थी ये भी क्या सजा है, और ऐसे मतलब वहाँ काम करवाते थे विचाराधीन बंदियों को। और जैसे बिल्डिंगों को अगर लिपना पोतना करना पड़ता था तो छूने से खुद हाथों से उनको करवाते थे, तो वो क्या हो जाता था, जो पानी जो आके उसके शरीर में या ब्लाउज में चिपकती थी तो बहुत पोड़े फुंसी हो जाते थे, तो वो भी मैं वहाँ देखती थी। और जैसे टॉयलेट को साफ करना ये, और वहाँ जैसे मतलब परेड होती है, हर महिलाओं को जैसे हर महीना होता था तो वो नहीं दिया जाता था, तो महिलाएं बड़े अपने हाथ पैरों को सुकड़ के बैठ जाया करती थी और बैठते थे, क्योंकि उसको कपड़े तो देते नहीं थे, और बोलते थे कि इन आदिवासियों को पेट के बारे में क्या मालूम, ये लोग तो गाँव के लोग हैं और इनको कुछ पहनना नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें वहाँ वो मिला, तो उसके वजह से महिलाएं जो छोटे से कपड़े को टुकड़े करके, या किसी के पास एक ही चीज़ एक ही कपड़ा हुआ करता था तो किसी के यहाँ दो, वो सूखते तक महिलाएं अपने पैरों को सुकड़ के बैठती थी, और उसके बाद वो नहीं भी सूखने से उसको पहनना पड़ता था, उसके बाद जो वो बीमार जो स्थिति महिलाएं को बीमारी होती थी, और उसके बाद पूरी बदबूदार ऐसा रहता था, तो जब पेशी भी ले जाओ तो उसका सामना करना पड़ता था।
तो फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं ये सारी चीज़ों को वहाँ देखने को मिला। वैसे मतलब मैं अपना अनुभव तो बताऊँगी, लेकिन वहाँ जो महिलाएँ पेट से थी, उन महिलाओं के साथ भी कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो वो महिला जब जेल आने से पहले वो पेट में रही, और वो जब आई तो एक महिला की ऐसी स्थिति थी कि उसको बड़ी नक्सलाइट के रूप में उसको लाया गया। हालांकि वो नक्सलाइट कोई ऐसा कुछ मोमेंट पे नहीं थी। जब उसको पेट दर्द होने लगा तो वो बोले कि अस्पताल लेके जाना है, लेकिन जब अस्पताल लेके गए, हम सब लोग ने बोला अस्पताल, पर क्या हुआ, उसको जंजीरों से बांध के रखा गया था। पूरे मतलब उनके पैरों में हाथों में जंजीर बांध के रखा। जब वो मतलब डिलीवरी के लिए जब अंदर ले गए, उस समय उसकी जंजीर खोल दिया गया। उसके बाद फिर जब बच्चे को जब जन्म देने के बाद फिर से उसको जंजीर पहना दिया। जब आई वो महिला पूरा बताई कि जब इस तन का दूध उसको पिलाना होता था तो फिर जंजीर खोल के वो बच्चे को एक हाथ से बड़े मुश्किल से करती थी, फिर इस तन मतलब उसका तन का अपना दूध पिलाती थी। फिर उसके बाद उसको फिर लगता था कि ये बच्चे को मैं इस साइड ले जाऊँ तो उसको फिर बोलना पड़ता था। तब भी जो पुलिस थे वो गालियाँ देते थे, बार बार हमको जंजीर खुलवाती हो बार बार। तो बच्चे उसको एक माँ मतलब वो एक माँ बन चुकी है, तो उसको अपने बच्चे का फिक्र और पैरों में पूरे जंजीर लगा। तो ये कंडीशन तो नहीं होना चाहिए कि ऐसे भी क्या है कि उस महिला को जंजीरों में बच्चे को पैदा करने की मौका। ये है, ये हकीकत है, अभी भी वो महिला है और वो ऐसे स्थिति से गुजरना पड़ता है पेट। और कुछ महिलाएं, कुछ छोटी मतलब कुछ बहनें ऐसे हैं कि उनको जंगलों में पकड़ा गया और उसकी बलात्कार हो जाती है और वो महिलाएं आके जेल में डाल जाते हैं, तो उसमें पेट से हो जाती। तो ये कैसी ही बहुत कम उम्र की बच्ची थी जो 15-16 साल, वो अपना लकड़ी काटने के लिए गई हुई थी जंगल में, उठाए ताने में मतलब जंगल में बलात्कार हुआ उनके पुरुष ने किया, उसके बाद ताने में भी हुआ उसके साथ, फिर वो उसको मतलब जेल में डाल दी। तो जैसे जैसे उसको उसका समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर में क्या है, तो बोलती थी मेरे अंदर में कुछ पेट का गोला घूम रहा हो, तो बच्ची थी उसको कुछ पता नहीं था। तो हम लोग भी बोलते थे शायद इसको बीमारी है, इसको पेट में ऐसा बताते हैं। फिर उसका पेट उभरने लगा तो बोलती थी मेरा पेट सूज रहा है। फिर उसमें कोई सुविधा तो थी रहती नहीं अस्पताल में, क्या जेल में। तो हम लोग सब ने जीत करके उनको भेजा अस्पताल सोनोग्राफी का, तब बता रहे हैं कि नहीं इसके पेट में बच्चा है। तो इसके पेट में बच्चा है, तो जब उसको हम लोग ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, तो वो महिला कहीं से भी मतलब बच्ची थी, युवा थी, वो नहीं एक्सेप्ट कर रही थी कि मेरा पेट में कहाँ का बच्चा, बच्चा क्यों, नहीं मेरे साथ ऐसा कोई बच्चा उच्चा नहीं है। तो उसको फिर धीरे धीरे हम लोग उनको ध्यान में रखते थे, उसका पेट उभरता गया। फिर वो एक जब वो उसके अंदर में इतनी मानसिकता भरा था, उसको एनी टाइम हम लोग को ध्यान देना पड़ता था। लेकिन जब उसका समय आया, उसका डिलीवरी के समय, उस बच्ची ने बच्चे को जन्म देते ही टॉयलेट की उस जगह में डाल रही थी और बच्चा फंस गया था, फिर भी वो हिम्मत कर रही थी कि वो बच्चा को मैं वहाँ डाल दूँ। तब तक ना फिर बंदियों ने देख लिया, देखने के बाद बोले ये क्या कर रही है, सबको बताए, तो सब दबड़ के गए, फिर उसको बाहर लाए। फिर एक निर्मला का है वहाँ, तो अच्छी है मतलब वो भी माओइस्ट के नाम पे जेल में, तो उन्होंने 2 थप्पड़ उसको मारा। तो मैं बोली दीदी आप उसको मार क्यों नहीं, क्यों मार रहे, तो बोले ये क्या करने जा रही थी। तो बहुत वो बच्ची ने रोया, फिर उसके बच्चे को फिर जन्म हुआ, फिर बुलाए। उसके बाद वो कहती थी कि मैं इस बच्चे को नहीं रखूँगी, मतलब उसको ये था ना कि मैं तो कुंवारी हूँ और मैं ये बच्चा को लेके मैं अगर जेल से बाहर जाऊँ तो कैसे जाऊँ। फिर निर्मला अक्का बोलने लगी कि इस बच्चे को मैं परवरिश करूँगी, जेल में ही पलेगा, पर तुमको कोई भी आँच नहीं आएगी, समाज कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारे माता पिता कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इस बच्चे को तुम जन्म दे के ये किसकी मतलब तन से दूध पिलाओ। तो वो नहीं, मैं नहीं हूँ। जो मेरे को अच्छी तरह याद है, हमको बहुत दुख लगता था उस बच्ची के उसको देखते हुए। तो जब उसके तन को हम लोग ने जब साफ किया निफोस से, तो उसको दूध नहीं निकल रहा, तो उसको दूध है तो हम लोग को पकड़ना पड़ता था उसके हाथ पैर, उसके तन से हम लोग दूध को निचड़ते थे, जो मुझे बहुत खराब लगता था। वो चीखती चिल्लाती थी, फिर कटोरी में उसका दूध निकाल के फिर उस बच्चे को हम लोग पिलाते थे। तो ये ऐसे कंडीशन है मतलब एक बच्ची, तो ये चीज़ें से भी गुजरना पड़ता। और जिस बच्चे के बारे में बता रही थी कि वो जंजीर में बच्चा पैदा की, तो वो महिला वो बच्ची 5-6 साल की हो गई, उसके बाद उस बच्ची को निकालने के लिए मजबूर किया गया। तो वो बच्ची को तो कुछ नहीं पता था, उसके बाद वो बच्ची को यहाँ से जेल से बाहर जाना होगा क्योंकि अब इसका उम्र हो गया है। तो हम लोग उसको मांग कर रहे थे कि इसको बच्ची को यहीं से स्कूल भेजो पूरे समय, जब तक उसकी माँ यहाँ है, जब इसको रिहाई होगी तो तब ये लेके जाएगी। लेकिन नहीं, उस बच्चे को फिर से ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया और उसके बाद उसमें से मतलब बच्चे वो ख़त्म हो गई।
क्योंकि उसका उधर परिवार नहीं था ना, तो उसको क्या करते, उसको किसी को नहीं कर सकते थे। तो ये वहाँ महिलाओं में जेलों में जो इस तरह से स्थिति है खाने को लेके और ये सारे चीज़ों के समय से, और हम जब वहाँ जेल में थे तो इतनी टॉर्चर इतना होने का, बाहर में हमारे साथ इतनी शारीरिक टॉर्चर, अंदर जाने के बाद इतने मानसिक टॉर्चर, तो ये सब देखते फिर हमने सोचा कि इसको तो लड़ना चाहिए। फिर उसमें उसके बाद जो मैंने लड़ाई ने मैंने शुरू किया तो मेरा जेल से ही हुआ, तो मुझे ये लगा कि इस लड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर आंदोलन हम लोग ने चालू किया उस जेलों में कि हम टॉयलेट साफ़ नहीं करेंगे, हमको कीड़े की खाना नहीं चाहिए, और हमको हर पेशी में आप कोर्ट लेके जाने का लेके, और हम विचार दिन बन गए, हर 15 दिन में रिमांड में तो आप हमको कोर्ट लेके जाइए, और हमको पेड़ दीजिए, हमारे बीमार हैं तो हमको दवा दीजिए। तो उस दवाओं को भी क्या किया जाता था, उसका जो दवा खोल के सिल्क मतलब फेंक के उसको ज़बरदस्ती ऐसे खिलाते थे, तो हम बोलते थे कि उसको आप दिखा के खिलाओ तो वो भी नहीं, मतलब ये है वहाँ जेल के। और खाना आधा पेट दिया जाता था, भरपेट नहीं, और जिनके पास बच्चे हुआ करते थे ना तो उनको ये दिक्कत होती थी कि वो बच्चा रात को खाना मांगेगा, तो इसलिए वो माँ अपना हिस्से का खाना बचा के रात को रखा करती थी। तो जबकि जेल में मतलब उसे मीनू में है कि डाइट कितना देना है, कितना सब्जी देना है, कितना दाल देना है, कितना वो कर, लेकिन नहीं देते थे। लेकिन जब वहाँ की महिलाओं के साथ हम लोग ने लड़ाई लड़ा और उसके बाद जो चेंजेस हुई तो भरपूर खाना भी देने लगे और बच्चों के लिए भी हम लोग नाश्ता मंगाने लगे। फिर हमारा जो जेल में थे कि जगदलपुर से वो पुरुषों की जेल से खाना बन के आता था, जब हम लोग फाइट करने के बाद फिर हमारा खाना हमारा सारा चीज़ फिर बहुत ज़बरदस्त महिलाओं ने वहाँ फाइट किया, तो सब चीज़ अलग हो गई, खाने से लेके नाश्ता से लेके सब, फिर वो सब काम है। तो उसके बाद ना महिलाएं कहती थी कि ये काम, तो वो जो अधीक्षक थे वो बड़े अच्छे भी थे और बोलते मतलब डांटते भी थे तो समझते थे, गायकवाड़ करके थे, तो वो बोलते थे कि सोड़ी तुम आके क्या क्या यहाँ सिखाती हो, क्या क्या ऐसा करवा रही हो। तो जब खाना भी अच्छा मिलने लगा, बाद में थोड़ा सा सुधार भी हो गया ये सब चीज़ें। और लेकिन ये चीज़ है कि जब हम जेल गए तो जो देखे, जब रायपुर जेल का जो स्थिति है, जब तिहाड़ जेल से मैं रायपुर जेल गई तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हमारा टॉर्चर हो रहा है, वहाँ ज़्यादा होगा, बाकी जगदलपुर जेल में कम। जैसे हम गए तो उसके बाद बोलने लगे तो नक्सलाइट है, बंदियों को हमसे मिलने नहीं दिया जाता था और दूर रखा जाता था, और हमारे जैसे कपड़े को जला देना और साबुन को छीन लेना, और जैसे बाथरूम का पानी पीने के लिए मजबूर करना, ये सब चीज़ें हमको है। और हमको निवस्त्र करके फिर हमको रखा जाता था, उस निवस्त्र के अंगों से छेड़छाड़ किया जाता था। वो इसलिए करते थे कि ये मानसिक रूप से पूरी तरह डिप्रेशन में चले जाए, और ऐसा किया तो पूरे कपड़ों को इतना देर तक निवस्त्र करके रख के, फिर वो लेडीज ही वहाँ पे रहते थे मतलब वहाँ जो ड्यूटी करते, उनको आदेश दिया जाता था। तो वो महिलाएं भी एक महिला हो कि महिला की वो मतलब दर्द को समझ के भी शायद वो नहीं समझना, इसलिए चाहती थी उसको अपना घर चलाना है, तो वो खुद ऐसा हरकत करते। फिर बाद में मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए मैडम, आप हर बार मेरा कपड़ा उतवाते हैं और यही करते हैं, तो मैं आज के बाद में कपड़े नहीं पहनूँगी, ये मेरा लास्ट डिसीजन है, क्योंकि कब तक मैं कपड़े उतरवाते रहोगे और कब तक आप लोग मेरे साथ ये सब करोगे। तो मैं बड़ा सा एक साल लिया था, तो मैं बोले आज के बाद ये कपड़ों में छूंगी भी नहीं। तो वर्षा डोंगरे वहाँ मैडम थी उप जेल, तो बोलती थी ये तो एक रंडी है, मतलब एग्जैक्ट स्पष्ट बोलती थी, इसको शर्म नहीं लगता, पूरे देश को ये बताती है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे गुप्त अंगों में पत्र डाले, करंट शॉट, ये सब, ये एक नंबर की रंडी है, और इसको तो मतलब हमारे औरत जात के नाम पर कलंक है, ये सीधा उसने बोल दिया। तो तब भी हम मैं बोलते थे हाँ मैं हूँ, पर मैं मेरे साथ क्या हुआ वो मैं जानती हूँ ना, तो इसलिए ये कपड़े भी नहीं पहनेगी, ये क्या पहने, तो बेशरम है ही है, नहीं पहनेगी। तो मैं बोले नहीं पहनूँगी, कोर्ट जाना है तुमको, तो मैं बोले कोर्ट में भी साल ओढ़ के जाऊँगी, क्योंकि कब तक मेरे घर। तो उसको तो ये लगा कि वाकई ज़िद्दी बहुत है, शायद ये नहीं पहनेगी कपड़ा। तो फिर उस दिन से मेरे कपड़े उतारना बंद हो गए, और ये चीज़ें। और वहाँ पर जो मतलब ऐसे 15 अगस्त के दिन थे, 15 अगस्त में अब लगता है कि सबको कि नहीं 15 अगस्त का दिन है, सब मिलके एक 15 अगस्त को हम भी मनाएंगे स्वतंत्र दिवस के रूप में मना। तो एक दिन महिलाएं ने यह सोचा आज कम से कम अच्छा खाना बनेगा, जो पानी जो दाल सब्जी बनती तो उसको सूखे बनाएंगे, तो बाकायदा बना लिए। और उसके बाद आ गए उप जेलर मैडम, आई बोले ये तुम लोग खाना खाने के अवकात नहीं है तुम लोग, ये क्यों खाओगे तुम। तो उसने ने 3 बाल्टी पानी डाल दिया, और जिसने बनाया उसको ये पनिशमेंट दिया गया कि आप आज खाना नहीं खाओ। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए जेल में। तो इसीलिए हम लोगों को लगता है कि
कि हम तो महिलाएं तो लड़ रही हैं, अब बहुत आगे बढ़ के लड़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जेल तो जाना पड़ेगा। जेल जाने के बाद जो स्थिति हो रही है उसके लिए हम लोगों को लगता है कि वहाँ की सुधार को कैसे करना चाहिए। आज भी जो महिलाएं हैं, अब जो जो लड़ेगा वो तो जाएगा, जैसा सुधा दीदी को ले, और उसने भी किस तरह बस्तर की लड़ाई को लड़ा और कैसे वो लड़ने के वजह से आज UAPA के दायरे के तहत अंदर है। तो अब जेल के अंदर की चीज़ों को हमको कैसे सुधार सकते हैं और कैसे किया जा सकता है। और जैसे मेरे को ये दवाइयों को एक बार में 12-12, 14-14 टेबलेट खिलाया जाता, उसको पूछो तो हमको गले दबा देना, मुंह को ज़बरदस्ती खोलना, दवाई को डाल देना, उसके बाद तो हमको बिल्कुल नशा ही हो जाता था। हमको समझ में नहीं आता था कि हम होश में कब आए, फिर होश आए तो ये दवाई, बीमार हूँ बोलती है तो इसको खिलाओ। और जैसा मतलब तो वृंदा जी ने कई एप्लीकेशन भी डाले सुप्रीम कोर्ट को, तो मेरे को आज भी याद है जब एक मतलब मेडिकल दल गया तो मेरे को पहले से गायकवाड़ से जो अधीक्षक थे, अच्छे थे जगदलपुर में, वो बोले थे सोड़ी ये तो ऊपर वालों को याद करो, पता नहीं आज आपको मेडिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर की 7 लोग आ रहे हैं। तो मैं बोला ऐसा क्यों, मेरी स्वास्थ्य के लिए आ रहे तो अच्छी बात है, नहीं आपका आप पागल हो या नहीं हो ये परीक्षण होगा। मैं बोली मैं पागल नहीं हूँ, अब मैं कैसे पागल हो सकती हूँ, नहीं वो मैं नहीं बता सकता, पर टीम तो अभी पहुँचने वाली। जब उस टीम आई जेल के अंदर, आने के बाद मुझसे फिर बैठाए पूछे, तो मुझे मन में ये था कि पता नहीं ये क्या पूछने वाले, तो उसने मुझसे पूछता है 2 × 2 कितना होता है, मैंने बोला 4, 1 हफ्ते में कितने दिन होते, मैंने बोला 7, और ये इस तरह से सवाल करते थे। और अगर एक चिट्ठी पड़ी है कहीं रास्ते में तो उसको क्या करोगे, मैं कह कि वो चिट्ठी पड़ी है पास में पोस्ट ऑफिस कोई बॉक्स है वहाँ डाल दूंगी, और किसी को वो पोस्ट ऑफिस तक पहुँचाने के लिए मैं कोशिश करूँगी, अगर आग लगेगी तो क्या करोगे, परिस्थिति को देखेंगे उसके बाद आग बुझाने, जंगल में आग लगी है या मतलब कहीं मैदान में या फिर कहीं सी है तो उस हिसाब से देखेंगे। तो पागलपन का करार दे के मुझे पता नहीं कौन से पागल खाने में डाल दिया जाता और उस स्थिति में मेरे साथ क्या होता, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और उसके बाद मतलब ये कहे कि जेल में ढल जाने के बाद जैसे कोर्ट में भी जब हमको ले जाते थे तो ये बोला जाता था ये वही सोनी सोरी है, ये महिला जितनी बेकार है, हमको तो सर झुका के कोर्ट में जाना पड़ता था जब शुरू शुरू, तो बोलते थे पता है इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ कितने मर्दों ने किया, इसके साथ इसके अंगों में पत्थर डाल फिर भी चल रही है, इसके पता नहीं इसका वो जगह कितना बड़ा हो, इस टाइप का मतलब हमको एक किया जाता। और समाज तो बिल्कुल दूर हो गया था, परिवार बिल्कुल दूर हो गया था, तो बोले ना इतना ये हरकत करके जेल पहुंची है शायद ऐसा है वैसा, तो कोई भी नहीं, बस मेरे पिता आते थे और देखने को, भी ये भी सोच करते थे जिंदा है हमारा। तो उस बीच में मेरे बच्चों के साथ कितने सारे उनको भी इतना झेलना पड़ा 2.5 साल का जीवन में, और मेरे पति भी जेल के अंदर में थे, और मेरे पति को जब जेल में रखा तो मेरे को अच्छी तरह याद है कि हम दोनों को लड़वाया गया जेल में ही। मेरे पति को ये बोला गया कि तुम्हारी पत्नी अब लड़ने के लिए पूरे देश में चिट्ठियां लिख रही है, सबको बता रही है, उसको रोको, और आपको इसके बदले में आपको पैसे देंगे, आपको जेल से रिहा करेंगे, आपके बच्चों को विदेश भेजेंगे, और आपको तत्काल यहाँ जेल से अब रिहा करेंगे। तो मेरे पति को हमसे मिलवाने के लिए लाते थे, जबकि ऐसा बहुत कम करते हैं, पर उनको हर हफ्ते में या हफ्ते में 2-3 बार मुझसे मिलवाते थे। और एक ही सवाल मेरे पति मुझसे बोलते थे, ये लड़ाई छोड़, इस लड़ाई को नहीं लड़ना, हमको अपना ज़िंदगी देखना है, और अब हमको क्या है हमारे बच्चों को देखना है, तुम भी जेल आई मैं भी जेल गया, आप इस लड़ाई को छोड़ो, मतलब इतना मजबूर इतना मानसिक रूप से है। तो ऐसे होते लास्ट तक हमारी यही लड़ाई हुई। आपको ये लगता है ना कि आपकी पत्नी के साथ इतना कुछ गलत हुआ है, आप मुँह दिखाने के लायक नहीं है और आप ये सब चीज़ करना चाहते, मैं लड़ाई नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं आपको छोड़ दूंगी, आप जेल से निकली है और आप अपने जीवन जिए, लेकिन मैं इस लड़ाई को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरे साथ क्या हो मैं जानती हूँ, आज मेरा सवाल नहीं, आज पूरी जेल के बंदियों का सवाल है सर। इस तरह से चीज़ें मतलब हुआ, तो लास्ट हमारी लड़ाई होने के बाद हम दूर हो गए, लेकिन उसका बाद में उनके साथ जो टॉर्चर हुआ, मारपीट सब, तो मैं एक पेशी गई थी, पेशी से जैसे लौट रही हूँ वो गेट कभी नहीं खुलती, उस दिन अचानक गेट खुली, तो मैं कहने लगी कि वाह आज तो बड़ा गेट खुला, आज मैं बड़ा गेट से अंदर जाऊँ, तब तक देख रहे मेरे पति को एक व्हील चेयर में पूरा बीच मतलब सुला के जिंदा लाश करके निकाल रहे। मैं बोली ये क्या हुआ, ये तो अच्छे खासे थे, ये कैसे अचानक हुआ, नहीं ये अचानक गिर गए ये बोला गया, उसके बाद उसको अस्पताल भेज दिया। जब दूसरे दिन मैंने अधीक्षक को कहा कि मेरे पति से मेरे को मिलने का वो दिया जाए, बोल मैं बहुत उनको बोलने पे उसने एक आवेदन बना कि मैं जब अस्पताल पहुंचती हूँ तो मेरे पति के मोटे मोटे जंजीर बांध के पैरों में, वो वैसे उठ नहीं सकते थे,
लेकिन उनको जंजीरों से बांध के रखा गया। तब वो बोले कि देख मेरे को बहुत यहाँ मार रहे हैं, मेरे को खाना नहीं दे रहे हैं, मेरे को भूखा रखा जा रहा है और मैं कहाँ बच सकता हूँ, मैं तो जिंदा लाश बनूँ, इनको बोलो मेरा संकल्प खोल दे। तो वो मैं उनको बहुत रिक्वेस्ट की नहीं खोले। ऐसी करते हुए मेरे पति का रिहा हो गया, 3 साल बाद वो रिहाई भी होगी। रिहाई होने के बाद अंतिम समय जब हमको मिलवाया गया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब वो मतलब जाली के में इस सेट थी तो जाली के उस सेट थे, उसके बावजूद भी उसकी जंजीर नहीं खोली गई। तो वो ये कह रहे थे कि एक बार मेरी पत्नी से मुझे मिलने दो, गले लगने दो, मैं तो जा रहा, मेरी तो रिहाई हुई, अब पता नहीं मेरी पत्नी कब निकलेगी, एक बार तो मेरी सोनी से मिला। लेकिन नहीं, हम भी चिखते रहे, वो भी चिखते रहे, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक ही बात बोला, आप मतलब जब तक जिंदा रहेगी तुम लड़ाई करना। मैं गलत था कि मैं पुलिस का इस बातों को मैं माना, आप सही हो लेकिन अपनी लड़ाई मत छोड़ना, ये बहुत गंदे लोग हैं, उसे मुंह में गाली दी। उसके बाद मेरे पति वहाँ से चले गए और वहाँ पर जिंदा लाश, तो परिवार लेने से इनकार कर दिया, बोले हमारे भाई को जिंदा ले गए हो, मतलब चलते हुए ले गए तो हमारे भाई को चलते हुए लाओ। तो उसके बाद फिर वापस भी लाए और मुझसे कहने लगे कि आप अपने पति को आप साइन करो ले लो। तो मैं बोली मैं ले के क्या करूँगी, नहीं आप लोगे तो हम अस्पताल में रख देंगे, मैं नहीं लूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने भी नहीं। फिर दोबारा मेरी जो बेटी थी उसको ज़बरदस्ती साइन करवाया और मेरे पति को घर में छोड़ दिया गया। तो मेरे पति बड़े मुश्किल से एक दो महीना थे, उसके बाद वो गुजर गए। लेकिन अंतिम समय तक उसने अपनी पत्नी को याद में मारे, तो उनको लगा कि एक लास्ट समय, लाश रख के कोर्ट गए, कोर्ट में आवेदन फाइल किया लेकिन कोर्ट ने भी मंजूरी नहीं दी, अंतिम समय भी हमसे मिलने नहीं दिया गया। उसके बाद फिर बाद में वे वृंदा जी इधर पूरे दिल्ली वाले का अल्लाह मचा, तो जब इन्होंने इधर से प्रेशर डाला तो उनके 13वीं के लिए मुझे एक आदेश आता है और कहते हैं कि आप सोनी सोरी जा सकती। मैं बोले जिससे मिलना था उसे तो जाने नहीं दिया गया, अब जाके मैं क्या करूँगी, मेरे को नहीं जाना है। तो बोले आपको नहीं, ये बड़ा ऊपर से आपका दबाव है, हमको सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, आप लिखो। तो मैंने लिखा कि जब ऐसे समय पर मुझे जाने नहीं दिया गया तब जाके मैं क्या करूँगी। उसके बाद जैसे इसी ये सब यातना से जैसे मेरी माता जी आई मेरे को अंतिम समय में आके पूछी, मुझे पहले एक बार आई थी, मैं ऐसा अच्छे से मिल के चले गए, दूसरे बार में जब मेरी माता जी आके मुझसे पूछती है, उनको किसी तरह खबर लग, क्या ये सच है तुम्हारे अंगों में पत्थर डाला गया, तुम्हारे साथ ये किया गया? तो वो माँ है ना, तो मुझे तो लगा कि शायद मेरे को अपनी माँ को नहीं छुपाना चाहिए, मैंने बता दी। तो मेरी माँ वहीं से सोचते हुए चली गई, उसके बाद उसके दिमाग में इतनी सदमे आ गए वो भी गुजर गए। तो ये सारी चीज़ें मतलब जेल में, और ये मेरे ही अनुभव नहीं है, मेरा ही नहीं है, बल्कि हर बहन जो जेलों में आती है तो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होकर आती है। और पता है मैं सबसे ज़्यादा मेरे प्रभावित कौन सी चीज़ की, ये कि जब ना मैं हमेशा रोते रहती थी, परेशान होती थी, तो दो बहनों को मैं आज तक नहीं भूल पाती। तो बोले दीदी हर बार आप रोती क्यों हो, क्यों इस तरह रहते? बोले मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है जो मैं अपने आप को मैं वो नहीं कर पा रही हूँ कि मेरे साथ इतना कैसे हुआ, शायद एक चीज़ मैंने जब मेरे को मुझे नहीं पता था क्या और लोगों के साथ। तो वो बहने मेरे को जब बाथरूम में ले गए, ऐसे दिखने सटी कटी बढ़िया दिखती थी, जब वो लेके गए बाथरूम में, जब अपने ब्लाउज को खोला तब मैं देख रही हूँ उनके निप्पल काट दिया गया था, उनके एक बहन का तो उसके दांतों के पूरे खरोंच थे और एक की निप्पल काट दिया गया पूरी दार। तो बोलने लगी ये हमारा शरीर है, इस तरह पुलिस वाले ने हमको करके डाला, तो आप क्या सोचते हो कि आपके साथ हुआ, ये हमारे साथ भी हुआ, लेकिन हम किसको बताएं, हम कहाँ जाएं किसको, आप एक पढ़ी लिखे हो, आप कम से कम लड़ो तो सही, ये उनकी उसमें। और उसके बाद मैं उनसे पूछी कि जेल से रिहा होने के बाद आप गाँव में ही रहेंगे ना, कहाँ जाएंगे? तो बोले ऐसे शरीर को हमको कौन एक्सेप्ट करेगा। अब वो लड़कियां तो ये इतना जानती है कि हमारे एक उम्र होगा, शादी के बाद हम घर संभाल। तो बोलने लगे हम तो अब गांव नहीं रहेंगे, हम तो नक्सलवाद में चले जाएंगे। जो इशू बना के रखे हैं ना कि नक्सलाइट भी किस तरह से वहाँ लोग जुड़ते हैं, इतनी अत्याचार इतना होने के कर उस मोमेंट से लोग जुड़ते हैं, तो महिलाएँ चली गई और वो चले जाने के बाद उस जगह पर जुड़ के, तो ऐसी कितनी महिलाएँ हैं अभी, जैसे अभी वर्तमान में एक छोटी सी बच्ची, ज़्यादा दिन नहीं है, अभी 3 महीना पहले उसके साथ मतलब वो जंगल गई थी लग जाठी काटने के लिए, पुलिस वाले आए, फोर्स आए, दोनों हाथों से पकड़े, बच्ची को बांध दिया और नदी के पार करके ले गए, उसके साथ ये बलात्कार ये सब चीज़ें किया। उसके बाद वो बच्ची 2 रात जंगल में बेहोश के हाल में थी, लोगों ने 250 लोग ने मिल के ढूंढे जंगल में, तो वो निकली, वहाँ पाते हैं वो बेहोश थी,
उसको वहाँ से उठा के अस्पताल लाए, मुझे फ़ोन करके बोले कि ऐसा हुआ, मैं भी तुरंत पहुँचती हूँ। उसके बाद वो बच्ची को कोई होश नहीं आया था। तो तब फिर पुलिस वाले कहने लगे कि मतलब नहीं, वहाँ बेहोश है, इसको इलाज चल रहा है। मैं डॉक्टर को बोली ये क्या कर रहे हो, मैं रिफ़र कर दिया, पुलिस वाले आगे नहीं ले जा। फिर मैं उनसे लड़ने लगी तो बोलते नहीं नहीं अभी लिखा पढ़ी के प्रक्रिया हो रहा है। मैं बोली वो सब छोड़िए, पहले बच्चे को जिंदा करना बहुत ज़रूरी है, इसको किसी भी तरह इलाज करना। तो एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो मुझे डर था बच्ची को ले जाते कहीं गला ना गो। तो जब मैं एम्बुलेंस में मैं उनके साथ मैं बैठ गई तो बोलते आपकी कोई रिश्तेदार नहीं लगती, आप कुछ नहीं लगते, आप नहीं आ सकते। मैं बोली ये रिश्तेदार की बात, किसी को अगर इस तरह से अत्याचार जुल्म हुआ है और उसके साथ इतनी तकलीफ, उसके साथ खड़े होने के लिए रिश्तेदारी कहाँ से लानी पड़ेगी। फिर मैं अपनी जिद में मैं एम्बुलेंस में चढ़ी, उसको लेके आए जिला अस्पताल में लेके आए। उसके बाद उसको जब हम अंदर घुसाए तो चारों तरफ से पुलिस आई और बोले आप यहाँ नहीं रह सकते, आप बाहर निकलिए। लेकिन वो उस बच्ची के बाद उसके इलाज के लिए जाने के बाद बिल्कुल हमको अंदर जाने नहीं दिया गया। वो तो बेला दीदी भी बताएगी क्योंकि उनको पूरा पता है कि किस तरह से वहाँ, और वो बच्चे आज वो सुसाइड कर लिए, वो आत्महत्या कर चुकी है। वो नहीं तो इतना, जब उस बच्चे से मैं पूछती थी तो ये कहती थी कि जब से मेरे साथ ये घटना घटा मेरे नीचे भाग बहुत दर्द होता है और मेरे बहुत तकलीफ है और मैं बाथरूम जाती हूँ मेरे के। वो 16 साल की बच्ची थी, वो ये अभी वर्तमान में ही घटना घटी। और उसके बाद अभी फिर से 5 महीना पेट से थी, फोर्स वाले बाहर में बैठी थी, वो जैसे बैठी थी तो उसको अंदर ले गए और 3 लोग ने उसको ज़मीन में लेटा है, उसके साथ 3 लोग ने बलात्कार किया। उसके बाद उसको बलात्कार करने के बाद जैसे तैसे उस महिला ने उठी, दोबारा गिरी नहीं। वो बताती है कि उसके बाद दोबारा वो नहीं गिरी, नहीं गिरने से बड़े मजबूत से अपने आप को सामना 1 घंटा था। और पूरी महिला का कपड़ा उतारवा दिया गया, पूरी नंगा करा गया और खुद के लिए उन्होंने भी अपने कपड़े नंगा करे। और 1 घंटे के तक उस महिला के साथ इतनी छेड़छाड़ वीडियो बना बना के ऐसे किए गए। और उस महिला ने, अब सोचो वो महिला कितनी संघर्षशील होगी। ये तो हम लोग आप लोग के पास बता रहे हैं कि क्या हुआ, वो महिला किसको बताई। मतलब बस्तर की हर महिला, हर कोने में ये दर्द है, लेकिन महिलाएं बहादुरी के साथ लड़ रही। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो महिला बेटी को जन्म दिया और वो महिला की एक बेटी जन्म आई। तो ये ही चीज़ है। तो ये तो बाहर तो हो ही रहा, बस्तर और कश्मीर में कोई फर्क नहीं है मुझे लगता है। लेकिन जैसा अभी कश्मीर की जो बहन ने बोला ये बात सही है, हम तो जब भी आते हैं ये बातों को बताया जाता है। लेकिन हमको ये सोचने की जरूरत है जो जेलों में जो बंद है उनके लिए क्या कर सकते हैं और किस तरह का हम प्रेशर डाल सकते हैं, और जो अत्याचार हुआ उसके लिए क्या कर सकते हैं। जरूरत बहुत है, हम तो अपना अनुभव बताते हैं, हर जगह यही चीज़ कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में जेल के लिए करना चाहिए, उनके पास कपड़े नहीं होते हैं, उनके पास साबुन नहीं होती है, उनको कीड़ा का खाना खाने के लिए मजबूर करते। सबसे बड़ी बात है कि उनको हर पेशी में नहीं ले जाया जाता। ये कहा जाता है कि नहीं इनको अभी गार्ड नहीं है, पुलिस कर्मी की कमी है, इनको उतने ड्यूटी मतलब इतने कम संख्या में नहीं ले जा सकते। इसके लिए भी हमको नंबर वन में ये लेना चाहिए कि हर पेशी में अगर ले जाते हैं तो उनकी गवाही तो कम से कम होगी, गवाह होगी तो हो सकता है 5-6 साल ना रह के पहले निकल जाए। और अगर पूरी फैसला हो मतलब पूरी बहस होने के बाद भी पेशी में ना ले जाने के कारण कम से कम कुछ नहीं तो साल भर आदमी रह जाता है, बुरी बहस होगी, मुजरिम बहस, ये सब दोनों की बहस, फिर भी फैसला के लिए अरे कहा जाता है उनको लाया नहीं जा रहा। तो ये जिम्मेदारी तो बंदियों की नहीं ना, और वो बंदी अंदर रह के कैसे लड़ेंगे। और मैं जब थी तो ये था कि मेरी आवाज़ आप लोग तक पहुँचती थी, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों तक पहुँचती थी, हर जगह पहुँच। तो मेरे लिए स्पेशली गाड़ियों को हमेशा मतलब A to Z रखे रहते थे और हमेशा हर पेशी में मुझे ले गए। तो हो सकता है आज भी उस केस में 7 साल होने का है कि मैं अभी तक भरी नहीं हो पाई, अभी तक मेरी केस चल रही। अगर मैं जमानत में नहीं होती तो आज भी मैं 7 साल तक अंदर रहती। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि कम से कम हम ऐसा प्रेशर डालें कि बंदियों को हर पेशी में ले जाया जाए। वो कैसे भी करके वो सरकार स्पेशली उनके लिए बंदियों को ले जाने के लिए पुलिस की मतलब वो कर्मचारी बढ़ाए और गाड़ी बढ़ाए। यो और क्या कहते हैं वो देखिए, सरकार तो बनी है, सरकार में 10 प्रकार के नेताओं का प्रोग्राम होता है तो सारे प्रोग्राम के लिए पुलिस को वहाँ लगा देते और बोलते हैं कि नहीं अब ये चुनाव है तो ये नेता आया है वो नेता। अरे उस नेताओं के चक्कर में बंदी तो मारे जा रहे हैं ना, तो बंदी के लिए स्पेशली करना चाहिए। और उनकी जो डाइट के लिए भी ऐसे कोई समिति बनाया जाए, ऐसे कुछ किया जाए जिससे कि बंदियों को हम जेल के अंदर भी जाके देखा जाए। और उन महिलाओं को कपड़ों को इतनी दिक्कत होती है कि वो कपड़े कहाँ, जब महिलाएं जब रिहा होते हैं तो ऐसा स्थिति आ जाता है कि 4 महिलाएं पूरे झुंड के झुंड आ जाती है, तो ये स्वेटर दे दे, तो ये दे दे, तो ये दे दे। तुम मात्र एक ही कपड़े में जाओ ना, बाहर में जाओगे तो तुमको मिल जाएगा, लेकिन सारी कपड़े को छोड़ जाओ।
तो वो पहने हुए तो ये तो महिलाओं का है, और पुरुषों के जेल में तो पहना हुआ अंडरवियर थककर मांगते हैं कि तुम उसको भी हमको दे के जाओ, एक गमछे को लपट के जाओ। क्यों? क्योंकि ये स्थिति ऐसा है। तो अगर उसके लिए अगर हम लोग लड़ना चाहे कि हम जेल के बंदियों के लिए किस तरह हम लोग थोड़ा सा करते, ठीक है वो कानून प्रक्रिया लंबा चलते रहे, लेकिन बेसिकली उनको जो इस तरह का राहत दिला सकते हैं, मेडिकल में उसकी उसको मदद कर सकते हैं, उनके कपड़ों में मदद कर सकते हैं और उनकी पेशियों में मदद कर सकते हैं, और जो महिलाएं पेट में हैं और उसे ऐसे हो कि जाते उन महिलाओं के लिए खास करके उनकी सुविधा कैसे दिलाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, और जो बच्चे जेल के अंदर हैं उन बच्चों के लिए शिक्षा कैसी दिलाना चाहिए ये सोचा जा सकता है। क्योंकि ये लड़ाई तो बंद नहीं होगी ना, ये लड़ाई तो चलते रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारे बच्चों को कैसे कैसे जुल्म। जब हमारे ऊपर केमिकल अटैक आया तो मेरी बेटी को तो स्कूल से भगा दिया कि बोले कि नहीं वो मतलब मैं जेल से निकलने के बाद गई, उसके बाद केमिकल अटैक हुआ, तो उस केमिकल अटैक में मेरी बच्ची का क्या गया, तो उसको स्कूल से निकाल दिया गया, बोला गया कि नहीं आपकी मम्मी के साथ हुआ, यहाँ बहुत से राजनीति हो रही, आप ये चले जाओ। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं, तो उस समय हम उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए, ये भी सोचने की ज़रूरत है। तो बस्तर का जो हाल है, बस्तर में तो हर रोज़ पकड़ दकड़ के अंदर ला ही रहे हैं, और ये उम्मीद नहीं करते हैं कि आप सरकार बदली है तो हमारे लिए वो सरकार बहुत खूब अच्छा करेगी, थोड़ी बहुत है उम्मीद कर सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उस सरकार के समय तो सर्व जुड़ों के चलते कितने लोगों घर छोड़े, कितने लोगों की खून खराबी हुई, कितने लोग बेघर हो गए, आज फिर वही सरकार आई है तो ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। पर हम ये सोचते हैं कि लड़ने वाले के लिए तो सरकार कोई भी है, हम तो अपनी लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, तो फ़र्क अपने को नहीं पड़ता है। पर हम जब ऐसे साथ मिलते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो हम चर्चा के ऐसी चर्चा के बाद भी हमको स्पेशली एकदम उस मुद्दे को पॉइंट को महत्वपूर्ण बनाने की ज़रूरत है, तब जाके हम लोग सरकार पे दबाव डाले, तब जाके उस दबाव डालने पे हो सकता है जेल में उसका कुछ, तो हम अगर 10 मांग करते हैं तो 4 मांग भी पूरी हो जाती है, तो ये चीज़ें हो सकता है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि मैं जब देखती थी कि महिलाएँ किस तरह से सामना, मतलब एक टॉयलेट को साफ करवाने के लिए कैसे मतलब उनको डंडे मार के वो करके उनको टॉयलेटों पूरी निकलवा के फेंकवाया करते थे, उनसे साफ करवाए, तो ये सब अरे चीज़ें ज़रूरी है और ये होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमको ज़्यादा करके जेल के लिए जो मांगे हैं, जो जेल में बंद हैं उन बंदियों के लिए खास करके हमको करना चाहिए। और बाहर में तो आप सब लोगों की आवाज़ हम सबको इस लायक बना दिया, तो आज तो बस्तर में हर जगह जाके अपना फाइट कर रहे हैं लोग, अब महिलाएं भी बहुत आगे बढ़ गई, पहले तो महिलाएं बलात्कार होने के बाद बोल नहीं पाती थी, लेकिन अब तो ये बोलती है। अब सुधा दीदी का इतने सारे केसेस थे कि इतने लोगों के लिए लड़ती थी, तो आज उनको यहाँ पर यूएपीए धारा में भी बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है हमारे बस्तर में, वो बेचारा कुछ नहीं जाओ केती सुटा के लाएंगे यूएपीए का धारा डाल दे रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसे किस बेसिस में यूएपीए धारा लगता है, वो उसके लिए भी हम लोग को लड़ने की ज़रूरत है, तो उसको भी हम लोग कुछ नहीं करें। और एक किसानी आदमी को यूएपीए का धारा लगा कि आप 4 साल 5 साल तक रख दे रहे, तो फिर कैसे होगा? अगर हम कोई हमारे ऊपर अपराध तत्व की इस तरह के धारा बनाए तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता कि हमको इतनी यतना इतना शर्म सर मतलब प्रताड़ित करके जेलों में बंद करने से कितना उसका बाद में होता है, समाज किस तरह से देखती, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप जो महिलाएं जा रही हैं जिस तरह उनको इस सामना ना करना पड़े, उसके लिए हम सबको कड़े होना चाहिए और करने चाहिए।